बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप। आज की जो वीडियो है ये दो मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर है। शी ग्लैम का एक फाउंडेशन है हाई कवरेज, और दूसरा शी ग्लैम का जो है वो फेस पाउडर है, जो कि मैंने इसको जब लिया और मैंने इसको यूज़ किया तकरीबन 2 वीक से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो डेली बेस पे बाहर जाकर किचन में काम करते हुए हर तरह से मैंने पहले इसे ना टेस्ट कर लिया। मैंने कहा पहले अच्छी तरह टेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही कमाल की फाउंडेशन है। स्पेशली ये जो डेली वेयर करना चाहते हैं ना फाउंडेशन, वर्किंग वूमेन है या बाहर जाते हैं या किसी पार्टी पे, फंक्शन पे, कहीं भी, या इवन आप घर में भी रहकर अगर तैयार होने का दिल कर रहा है तो ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। कोई क्रैक नहीं फेस पे बनते, पैचेस नहीं बनाती, फाइन लाइंस नहीं बनती, प्रोमिनेंट होती, और वो इसका फेस पाउडर भी बहुत 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 कमाल का है। तो मैंने यूज़ किया और उसके बाद मैंने इसको 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर तक इसके रिजल्ट देखे और ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैं हाईली रिकमेंडेड है, तो मैंने कहा आपके साथ इसका करूँ। तो पहले इसकी जो ये है शी ग्लैम की स्किन फोकस हाई कवरेज पाउडर फाउंडेशन, तो पहले हम इसको देखते हैं। इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी, ये इस तरह के पाउच में आता है। ये देखिए कितना क्लासी सा लग रहा है। तो ये इस तरह की इसकी ये लुक है और बहुत ही कमाल का। ये मैंने पहले फेस पाउडर इसका ओपन किया है और इस फेस पाउडर को मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसके नीचे इसका ये जो है स्पंज है, तो इसको पहले इसकी देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्किन कवरेज हाई कवरेज पाउडर है। इसके अंदर हाई कवरेज है, सॉफ्ट फोकस लुक देता है आपको, और जोजोबा ऑयल रिच है, क्योंकि जोजोबा ऑयल जो है उसमें विटामिन डी जो होता है वो एंड प्रोटीन होता है, और हमारी स्किन के जो मॉइस्चर होता है उसको बैलेंस करता है और उसको ऑक्सीडाइड नहीं होने देता। तो एक अच्छा प्रोडक्ट था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू करें शेयर। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, लिखा हुआ है इसको लगाने का तरीका, डिप द पफ इन टू द पाउडर इन अ सर्कुलर मोशन। वी रिकमेंड यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट एंड बिल्डिंग द कवरेज टू योर लाइकिंग बाई रिपीटिंग दिस प्रोसेस। द पफ कैन बी यूज ऑन बोथ साइड। अच्छा, पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें और मॉइस्चराइज कर लें अप्लाई करने से पहले। तो इसके जो स्टेप हैं वो फॉलो करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद ये उसका सर्कुलर मोशन में मूव करें और फिर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा ना एक दफ़ा लगा लें, आपके पास ये कहीं नहीं जाना इसने। तो ये जो है ये यूज़ देखें, यूज़ हुआ हुआ है, तो दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैंने इसको ऐसे, उन्होंने कहा सर्कुलर मोशन, तो अभी मैं अपने हैंड पे ये देखें लगा के दिखा रही हूँ। इतना इक्वल अमाउंट आए, ये देखें कि ये नहीं थोड़ा सा लगाए, कहीं इधर से ज़्यादा इधर से कम, इक्वल अमाउंट आनी चाहिए। तो अब ये मैं भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर, मैंने हाथों में पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ था। तो ये देखें, तो बड़ी सॉफ्ट सा, वेलवेटी सा ये है, बड़ी सॉफ्ट सी इसकी एक क्रिएट हो रही है। अब फेस पे अप्लाई अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके हाथ के और फेस की स्किन में तो फ़र्क होता है ना। तो मैं अभी हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा एक फेस पाउडर है, हाई कवरेज है। आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे कि ये बहुत अच्छी स्किन पे एक सॉफ्ट सी बड़ी अच्छी सी लुक क्रिएट करता है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है ये शी ग्लैम का जो है वो फुल कवरेज फाउंडेशन बाम। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन बाम है, तो चले आए हैं इसको ओपन करके देखते हैं। ये भी बड़ी प्यारी क्यूट सी पैकिंग, इसकी भी वो पाउच वाली बड़ी प्यारी सी पैकेजिंग है। थोड़ी सी गंदी हो गई हुई क्योंकि मैं 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ, सबको इसलिए संभाल के रखा हुआ कि रिव्यू करना था इसका। तो ये भी ग्लास पैकिंग में है, वो प्लास्टिक वाला था, ये प्लास्टिक में था और ये ग्लास पैकिंग में है। तो इसको ओपन करते हैं इस बाम को। तो ये मेरा शेड है, मेरी स्किन का ये है शेड, न्यूड शेड है ये। तो और इसके काफ़ी शेड्स हैं, आई थिंक 38 शेड्स की रेंज में है ये, तो अगर मैं सही हूँ तो। ओके, लेट मी चेक। तो ये इस तरह का ये फाउंडेशन है, तो इसको भी ये देखें, मैं आपको स्किन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ।
बहुत ही स्मूथली और इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये देखें, देखें कितनी सॉफ्ट सी लुक आ रही है, सॉफ्ट सी लुक आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आ रही है। अब इसके ऊपर अगर इसका आप पाउडर अप्लाई कर दें, मैंने सिंगल यूज़ करके देखा, इसके पाउडर के साथ अप्लाई करके देखा, हर तरह से यूज़ करके देखा, तो देखिए बहुत ही शानदार सी एक सॉफ्ट सी लुक क्रिएट होती है। अच्छा मैं बताना भूल गई, इसके साथ इसका मिरर भी है। अच्छा कोई ड्यूई जो एक थोड़ी सी केकी सी लुक होती है वो क्रिएट नहीं होती इसे यूज़ करने से, लॉन्ग लास्टिंग है। अब यकीन करें मैं इसे हम घर से बाहर तकरीबन मैं 9 बजे से अप्लाई किया, हम घर से बाहर गए तकरीबन शाम 5 बजे तक, वापस आए घर स्किन के ऊपर ऐसे ही था जैसे कि अभी अप्लाई किया हो, इतना ये शानदार बेस है। इसका तरीका भी ऊपर बाम है लिखा हुआ है, जेंटली रब द सरफेस ऑफ द फाउंडेशन बाम विथ फिंगर टिप और सर्कुलर मोशन, तो ये सारा तरीका इसके ऊपर है लिखा हुआ है। जब आप लेंगे तो इसे अच्छी तरह पढ़ के यूज़ कीजिएगा, तो इसमें सब रिकमेंड किया हुआ है कि अच्छा यह स्किन मेरी जो है आजकल स्किन बहुत ड्राई हुई, रमज़ान चल रहा है और पानी की कमी जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो ये स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उससे रमज़ान से पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, कम्बिनेशन हुई हुई थी, तो मेरे दोनों तरह के टेस्ट हो गए, मेरी कम्बिनेशन स्किन के भी ऊपर टेस्ट हो गया तो ये बड़ा अच्छा रहा, ड्राई स्किन के ऊपर भी मैंने टेस्ट कर लिया तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा। तो आप भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। मेरी तरफ से मैं 10 out of 10 मार्क्स इसको दूंगी, इतना मुझे ये पसंद आया है। तो ये थी आज की वीडियो शी ग्लैम के फेस पाउडर के ऊपर और उसके ये जो फाउंडेशन बाम के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह है।